नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, आपके साथ मैं हूं कनिका। गुरुग्राम के सेक्टर 43 में स्कूली बच्चों द्वारा एक राष्ट्रीय एक दिल कार्यक्रम के माध्यम से देश की एकता अखंडता का संदेश दिया और नृत्य और देशभक्ति के गीतों के माध्यम से बच्चों ने देश की ताकत को भी दर्शाया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, तो शहीदों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 43 में एक कार्यक्रम के माध्यम से भारत की एकता को दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गानों और नृत्य के माध्यम से संदेश दिया कि विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग वातावरण के साथ अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है, लेकिन इसके बाद भी देश के लोगों का दिल एक ही है, वो भी अपने देश की हिफाजत के लिए, जिसे पूरे विश्व को भी ये संदेश दिया जाता है कि भारत की एकता और अखंडता सबसे मजबूत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस के सामने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, और यही नहीं, इस मौके पर पहुंचे नगर निगम के कमिश्नर ने भी बच्चों की इस परफॉर्मेंस को काफी सराहा और लोगों से अपील की है कि एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए इस तरह के बच्चों को देश के बारे में जानकारी दे। ग्रेजुएशन जो हमने बता रहे हैं कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे कर रहे हैं, और ये प्रस्तुति के दौरान हम दिखाना चाहते हैं कि सारा नेशन एक है, हमें एकता के साथ रहना चाहिए, और यही छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे से एक स्किट के थ्रू ही बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर अराउंड 200 बच्चों ने पार्ट भाग लिया हुआ है, और डांसेस भी हैं, स्किट्स भी हैं, म्यूजिकल ड्रामास हैं, एंड ब्यूटीफुल प्रेयर सॉन्ग्स भी हैं, जिससे पूरे पेरेंट्स को यू नो मोहित कर दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी में ग्रैंड प्रिंस एंड प्रिंसेस भी हर क्लास से दिया जा रहा है। करीब 500 पेरेंट्स आए हुए हैं, जिसमें से हम 100 अवार्ड्स दे रहे हैं बच्चों को, छात्रों को प्राइमरी और मॉन्टेसरी से। बच्चों को क्या सिखाया गया है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या संदेश वो दे रहे हैं? ये संदेश देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए और प्यार के भाव के साथ रहना चाहिए। हम सब एक हैं, और सारा विश्व को ठीक करना और अपने अपने साथ चलाना हमारा संदेश है। या बच्चे हम लोग यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो लीडर्स बने, खाली भारत के नहीं पर पूरे वर्ल्ड के, बेसिकली ग्लोबल लीडर्स की हम तैयारी करवा रहे हैं, और यही पूरा माध्यम है इस मॉन्टेसरी ग्रेजुएशन का जो हम दिखा रहे हैं। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिन बच्चों को अवार्ड मिला और जिन बच्चों को नहीं मिला, जिन बच्चों को अवार्ड नहीं मिला उनको आप क्या कहेंगे कि आगे के लिए? देखिए, जिन बच्चों को अवार्ड नहीं मिला है वो थोड़े से बच्चे हैं, उनको तो पता है उन्हें कहीं ना कहीं कोई और क्षेत्र के लिए मिल चुका है, स्पोर्ट्स का अवार्ड मिल चुका है स्पोर्ट्स डे पे, तो हर बच्चे में स्पेशल टैलेंट है जो हम चुनते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे को राय में एक ना एक अवार्ड जैसे हर साल मिले, जिससे वो और मोटिवेट होए और अच्छा करे। हर बच्चे में एक हुनर है और हर बच्चे का एक हुनर को दिया जाता है। 100% अटेंडेंस अवार्ड भी दिया जाता है, तो मतलब हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ रखा जाता है। कोई बच्चा पढ़ बुक्स करके किताबें बहुत पढ़ता है, तो उसके लिए एडिटेड अवार्ड है। कोई बहुत अच्छा डांस में है, तो हमने उसके लिए भी अवार्ड रखा हुआ है। इस निबल फिंगर्स के अवार्ड भी दिया हुआ है, पर बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और मुझे लगता है कोई बच्चा छूटा नहीं है आज के दिन। देश का भविष्य है, और उनके अंदर ये ताकत है कि वो देश और समाज को बदल सकते हैं। तो अगर अच्छे बच्चे, अच्छे नागरिक हमें बनाने हैं, तो बच्चों को इसी जगह से हमें पकड़ना होगा, और उनको वो सब चीज़ें भी सिखानी होंगी जो हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करे। स्कूल भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, बच्चे भी उतने ही ब्राइट हैं जो किसी के भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। यूपी के अमरोहा में समाजवादी पार्टी का बूथ लेवल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यहां पर पहली बार बसपा और सपा के नेता एक ही मंच पर दिखाई दिए। सम्मेलन में बसपा जिलाध्यक्ष राम अवतार ने कहा कि वर्तमान की सरकार फेल है, वर्तमान सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करके वोट मांगती है, सपा बसपा के साथ आने से उनकी नींद उड़ चुकी है। जिस दिन से गठबंधन हुआ हर नेता स्टेज पर खड़े होने के बाद एक ही बात कर रहा, ये चोरों का गठबंधन, ये छत्तीसगढ़ ने क्या क्या उनका गठबंधन, ये नाकाम गठबंधन, आज सुबह बताना चाहिए कि हमने किया क्या है।
से क्या उम्मीद थी और हमने उम्मीदों पर खड़े या उतरे या ना उतरे, गठबंधन से ये बौखला चुके हैं, जान चुके हैं कि गठबंधन नहीं है हमारा अंत। ये गठबंधन देश में लगातार छल और फरेब कर रहा है। कोई एक पार्टी लगातार देश में कह रही है। यूपी के जहांगीराबाद में दी किसान सहकारी चीनी मिल पर किसानों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया और मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। किसानों ने मौके पर आला अधिकारियों को बुलाने की मांग की है। धरना पर पहुंचे मुख्य गन्ना अधिकारी ब्रह्म प्रकाश को किसानों ने बंधक बना लिया और घंटों तक मौके पर ही बिठा कर रखा। चीनी मिल में 1 रुपया क्विंटल किसानों से काटा जा रहा है, वो सरासर चीनी मिल प्रशासन की लूट है, वो 1 रुपया क्विंटल ना कटे। दूसरी मांग हमारी ये है कि इस चीनी मिल की क्षमता बहुत कम है गन्ना पेलने की, इस क्षेत्र के किसानों का गन्ना बहुत ज़्यादा है। इसके उलट साथा चीनी मिल के 9-10 सेंटरों से गन्ना यहाँ लाया जा रहा है, वहाँ से गन्ने की बिल्कुल रोक हो। तीसरी मांग हमारी ये है कि किसानों को कोई अभी तक 2 महीने से गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार ब्याज का प्रावधान है, हमारे गन्ने पर ना ब्याज मिल रही है। चौथी मांग हमारी ये है कि इस चीनी मिल के काफ़ी किसानों का बेसिक कोटा बहुत कम है और उनके पास गन्ना बहुत ज़्यादा है, उन गन्ने की दोबारा रिसर्वे कराकर पर्चियां बढ़ाई जाएं। चौथी मांग हमारी ये है कि इस चीनी मिल में 60 साल के बाद में जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं उन सबको हटाकर नई भर्ती की जाए। एक मांग हमारी ये भी है इस चीनी मिल के मजदूरों का जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं, मिनिमम वेज से भी बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, उन सभी मजदूरों को परमानेंट किया जाए। एक मांग हमारी ये भी है चीनी मिल में कि यहाँ किसानों के लिए ना तो कोई ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ टॉयलेट लेटरिन जा सकते हों, और कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि अगर ये चीनी मिल बंद हो जाती है किसान को 8-10 घंटे रहना पड़ता है तो कोई रहने के लिए समुचित व्यवस्था। ये धंधे में बैठे हैं किसान का मामला इनका, जो समस्या है दिक्कत है उनका समाधान कराया जा रहा है, जो समस्या आती है उनका समाधान कराया जा रहा है। जैसे मुख्य समस्या आपको बताई हुई, क्या समस्या है? मुख्य समस्या हमें तो मांग पत्र को दिया ना, अभी नहीं दिया। जैसे DM साहब को बुलाने की मांग कर रहे हैं, वो DM साहब का मीटिंग में गया। क्या नाम है आपका? ब्रह्म प्रकाश है। क्या आप किस पद पर हैं आप? CCO हूँ। करनाल के इंद्री की बात करते हैं जहां पर एक युवक की अपहरण कर बुरी तरह से पिटाई की गई। हालांकि परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी ना होने के चलते परिवार के लोग बिफर पड़े और जमकर हंगामा किया। परसों एक मामला आया, ये लड़का है मनक माजरे विवेक, इसने इन्होंने आरोप लगाया कि वो उसको उठा कर ले गए, उसके साथ मारपीट की। अच्छा जी। उसका हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट आ गया और हमने उसका बयान लिख लिया, पर्चा भेज। दूसरी तरफ से लड़की वालों ने कहा कि भाई घर में घुसा था लड़के को छेड़ना, उन्होंने उस कंट्रोल रूम में फोन करा था, PCR मौके पर गई थी, उसमें जैनपुर गाँव में वहाँ से उसको ले गया। लड़की के वह वारसान की दरखास्त पर ये पर्चा दर्ज कर दिया है और जो लड़का मिले थे उसके भी जान का पर्चा दर्ज कर दिया। फिलहाल कोई अरेस्ट नहीं आया। अच्छा, तो पहले लड़की के तो उसकी मदर को 164 रुपये जान करेंगे आज, और उसके बाद जो कार्रवाई बनती है। भाई परसों का मामला है, तक अरेस्ट की मिले पैसा ही खा रखे होगा जी, हमारे बच्चे की सुनाई नहीं हो रही है जी। 3 दिनों के हमारा बच्चा करनाल पड़ा है, 16-17 साल का हमारा बच्चा जी, तो दोषियों को क्या मामला था? परसों हमारे समाज के एक लड़के गांव मणक माजरा से, उसको कुछ लोगों ने जो जनपुर के रहने वाले हैं की जो एप्लीकेशन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, भाई ने एफआईआर दर्ज हुई है, उन लोगों ने उस लड़के को उठा के किडनैप करके बुरी तरह टॉर्चर किया। किन लोगों ने? जनपुर के जाट समुदाय के कुछ लोग थे, उसमें हिम्मत सिंह, उसका बेटा, उसकी वाइफ और उनके साथ 3-4 लोग और जो अन्य हैं,
जिनका नाम पुलिस अभी जांच कर रही है उसने, उन लोगों ने हमारे इस लड़के को उठा के, इस लड़के को बुरी तरह पीटा है, कई जगहों पे लेकर पूरी तरह डंडों से टॉर्चर किया है। आज कल हम पूरा दिन इस मामले को लेकर यहाँ इंद्री थाना में रहे हैं और रात देर रात जाकर वो FIR दर्ज हुई है। आज हम इसी मामले में यहाँ पहुँचे थे मंत्री जी से मिलने की इस जो इसके इसमें जो कार्रवाई की जाए वो पारदर्शिता से की जाए, वो ऐसी कार्रवाई हो जिसमें पारदर्शिता हो और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। हम चाहते हैं ये कि हमारे समाज को न्याय मिले, उस लड़के को न्याय मिले जिसको बुरी तरह पीटा गया है, और जल्दी से जल्दी पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार। सुभाष आजाद समिति की ओर से ब्राह्मण धर्मशाला इंद्री में शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का आयोजन सुभाष आजाद समिति के द्वारा ब्राह्मण धर्मशाला में किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे जो शहीदों के सम्मान में जोरदार नारे लगाए। आज चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है और पुलवामा में शहीद हुए 44 जो शहीद थे उनका आज 13वां दिन भी था, तो आज इसी उपलक्ष में सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकत्रित होकर उनका तर्पण किया और श्रद्धांजलि दी। भी जो ब्राह्मण कौम है, जो ब्राह्मण हीरे हैं, वो सब यहाँ पर थे। समाज को एकता का संदेश दिया गया और शहीदों की राह पर चलने का संदेश दिया गया। हसनपुर क्षेत्र के आदमपुर थाने में आने वाले पर्व महाशिवरात्रि और होली को लेकर अमन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में उप जिलाधिकारी समेत थाने प्रभारी और समाज सेवी मौजूद रहे। बैठक में किस तरह से त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए इस पर चर्चा की गई। सर, थाना आदमपुर में अमन कमेटी की मीटिंग ली है, किस उपलक्ष्य में ली है सर? ये शिवरात्रि के त्यौहार 4 मार्च को है, इसके बाद होली का त्यौहार है, चुनाव आ रहे हैं। विशेष रूप से शिवरात्रि के त्यौहार पर कंवड़ियों की काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और यहाँ पर आदमपुर में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है शंकर जी का, जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं छुवाने के लिए, और कोका कूप का मंदिर है वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और कंवड़ी आते हैं छुवाने के लिए। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे और अच्छे सुचारू रूप से अपना त्यौहार मने, इसके लिए इस कमेटी की बैठक की गई है और यहाँ पे आए हुए सभी ग्राम प्रधानों को और संबंधित जहाँ पे संबंधित हैं उनके ग्राम प्रधानों को साफ सफाई कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं उनको, और 4-5 सफाई कर्मी अपने एडीओ पंचायत को कहा गया है कि वहाँ उनको उपलब्ध करा दें ताकि पर्याप्त संबंधित पर साफ सफाई रहे। कबड्डियों को पूरा सम्मान देने के लिए, उनके भंडारे वगैरह में उनके पर्याप्त अच्छी व्यवस्था करने के लिए और लाइट और सफाई और संतुष्टता स्थापित करने के लिए उनको निर्देश दिए गए। भिवानी में आज ट्रैफिक पुलिस ने उन शरारती तत्वों को नसीहत दी तो शहर में अपनी मोटरसाइकिल की तेज आवाज से लोगों को भयभीत कर देते हैं। ये मोटरसाइकिल कोई साधारण नहीं है, ये मोटरसाइकिल लाखों रुपए की आती है जिसमें साइलेंसर और स्पीकर कंपनी की तरफ से निर्धारित आवाज के अनुसार दिए जाते हैं, लेकिन कुछ युवा इसे बदलकर 3 स्पीकरों और अलग से साइलेंसरों का प्रयोग करवा लेते हैं जिससे आवाज बदल जाती है। यह आवाज पिस्तौल से निकली गोली की तरह होने से लोग अचानक भयभीत हो जाते हैं, जिसकी तीखी आवाज ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ावा देती है और कमजोर दिल वालों के लिए यह आवाज घबराने वाली होती है। बीते दिन वायुसेना की ओर से पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में इसकी सराहना की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा कोई हरकत ना हो इसके देखते हुए पंजाब के मोगा में पुलिस अलर्ट पर है। बनया हुआ माहौल बनया हुआ भारत का पाकिस्तान का, तो वो संबंध में हाई अलर्ट हैगा। ये हाई अलर्ट के नाल असी सारी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, तो असी जिहड़े हैगे आ चैकिंग व्हीकल करी जांदे आ, जो अणपछाते व्हीकल आउंदे आ, कोई अणपछाते लोग आउंदे आ उन्हां नूं चैक कर रहे हैं ताकि सारी माहौल ठीक रहे, अपना अमन चैन रहे, किसी तरह की किसी को दिक्कत ना आए।